So today we have Sunita Majumdar, who is a social activist and advocate also. So welcome, ma'am. I will be interviewing you today. So ma'am, please tell me. Should I ask you? Ma'am, आप अपने बारे में कुछ बताइए मैम पहले तो. मैं सुनीता मजुमदार, आपने नाम बताए. मैं आज मुझे तो बहुत मतलब खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने हूँ. आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की जो सुनीता है इसको बनने में काफी मतलब मेहनत और को चैलेंज रहा हमेशा. और मेरा संघर्ष जो है बचपन से ही था और आज जाके मैं यहाँ पे पहुंची. आज बचपन से मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता था और मैं करीब आज 15 सालों से इस फील्ड में एक्टिवली काम करती हूँ. और कभी मैं जो समाज के में जो थोपा हुआ होता है ना कि कुसंस्कारों को, जो मैं भी उसका बहुत सारे मुद्दे में शिकार हुए, लेकिन मैं हमेशा उसको बोल्डली उसका फेस किए. और आज ये चाहते थे कि हम भी जहाँ पे चैलेंज करके पहुँचे और आगे भी हम दूसरे को भी मदद करें वहाँ पे लाने के लिए. और इसमें एडुकेशन बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है. जब तक कोई भी व्यक्ति प्योरली एडुकेटेड नहीं होगा तो इसका शिकार उसको होना पड़ेगा. मैं भी इसी तरह करके आई हूँ, यही रहा मेरा. थैंक यू सो मच मैम. हमें मतलब कि मैम आपने मतलब कि हमें बताएं कि आपकी सक्रियता किस वजह से बढ़ी है, मतलब सोशल एक्टिविस्ट में आपकी सक्रियता किस वजह से बढ़ी है. हेलो आवाज जा रही है मैम? जी. मैम आपको मेरी क्वेश्चन मिल गई. लाइक मैं पूछा कि हमें बताएं कि आपकी सक्रियता किस वजह से, मतलब सोशल एक्टिविस्ट में मतलब कि इस करने की सक्रियता कैसे बढ़ी. मतलब सोशल एक्टिविस्ट में कैसे हम आए हैं ना, बोलना हाँ पूछना चाह रहे हैं. यस मैम. हाँ, एक्चुअली मैंने बचपन में जिस स्कूल से पढ़ाई की है वो मेरे लिए बहुत इसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ फेस करना पड़ा. जैसे मैं मेरे पहले बताओ, मैं मेरे चार हम लोग चार भाई बहन हूँ. मतलब चार भाई, मैं एक ही बहन हूँ. तो पापा रेल का नौकरी छोड़ के एक आश्रम का एनवायरनमेंट में चले आए थे. तो आने के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने पढ़ाया और शायद इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल कमजोरी के कारण उन्होंने ये सोचते थे लड़की है उसको पढ़ा के क्या होगा, उसको आज नहीं तो कल शादी दे देंगे. और इसके कारण, और जब मैं स्कूल में गई तो मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारे सामना करना पड़ा. कभी बहुत रोती थी मैं. तो उस समय से ये चीज़ हमेशा हमारे ऊपर थोपते गया. अगर मैं क्लास में फर्स्ट भी हुई तो 2 मार्क्स मेरा कट के किसी और मतलब सेक्रेटरी हो, ए हो, मतलब VIP जो पर्सन है उसको बेटी को किया जाता था, ये छोटे छोटे चीज़. उसके बाद टॉर्चिंग होना, सच बोलती हूँ तो उसके लिए मुझे रोना पड़ता था क्योंकि ऐसे लगता था कि मैं झूठ बोली. ये सब चीज़ मुझे बचपन से ही इतना मजबूत करते गया और हमेशा मेरे मन में ऐसे ही बढ़ते गया कि मैं एक दिन आके एक आइडियल पर्सन बनूंगी ऐसे व्यक्ति के लिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जो मेरी तरह फेस करके आए हैं. ये मुझे बचपन से ये चीज़ था. और मैं मेरे माता पिताजी से भी देखे हैं कि अपना हिस्सा, खाने का हिस्सा भी दूसरे को बांट के खाओ और जिसको जरूरी है उसके लिए आप कुछ कर दो. मतलब दूसरे के लिए आप खड़े हो जाओ और अच्छा के लिए, किसी का दुख में खड़े हो लेकिन सुख में कोई याद करे या ना जाओ. तो वो चीज़ मुझे मेरे माता पिता, मेरे परिवार से और मेरी खास करके मेरे एनवायरनमेंट जो था, मेरे परिवेश जो था, वो मुझे मजबूर कर दिया था इस लाइन से. मतलब डिटरमाइंड मैं हमेशा थी कि मैं सच के लिए कुछ भी करूँगी, चाहे मेरे सामने वाले भीड़ बहुत ज़्यादा हो, मैं अकेली खड़ी हूँ लेकिन मैं सच के लिए हमेशा खड़ी थी और आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी. तो ऐसे परिवेश से मुझे ज्यादा मतलब सोशल काम के लिए ज्यादा प्रेरित किया है. ओके
मैंने कहीं पढ़ा कि आप साहित्य में भी काफी रुचि रखती है मैम, तो मैम कुछ मतलब साहित्य के बारे में भी आप हमें कुछ बताएं। साहित्य के बारे में बचपन से पढ़ने का भी बहुत मेरे आदत थी। मतलब स्कूल का भी जो भी किताब होता था उसमें भी हमने चुरी छुप मदद छुपा के भी मैं किताब पढ़ा करती थी। इसमें खास करके रविंद्रनाथ टैगोर मैंने पढ़ी, शरद चंद्र चटर्जी को, बंकिम चंद्र चटर्जी को ज़्यादा मैंने पढ़ी। तो इस सब किताबों में मैंने ये ढूंढी कि उस समय जैसे आनंदमठ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, उस किताब में जैसे देश प्रेम की भावना किस तरह से उजागर होता, उसके लिए किससे मर मिटना, जैसे वो भी था। और शरद चंद्र चटर्जी में और बंकिम चंद्र में, रविंद्रनाथ में मैंने ये ढूंढ के पाई कि कुसंस्कार में हमेशा नारी किस तरह से जातना झेलती थी, वो किस तरह से उससे लड़ती थी, किस तरह से उसके ऊपर थोपा किया जाता था। धार्मिक एक कुसंस्कार के ऊपर उसको जिंदगी मतलब बीतते थे। सतीदाह प्रथा जैसे, कुसंस्कारों जैसे जितना सारे थे, राजा राममोहन राय, विद्यासागर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने और बहुत दुख भी होता था। तो वहां से ही मुझे लिखने की, जहाँ पे गलत होता था उसके बारे में लिखना पढ़ना, साहित्य तो मैं पता नहीं मुझे कब मुझे बहुत प्रेम हो गया, मैं उसमें चल पड़ी। ओके मैम, आप अपने जीवन का एक कोई एक ऐसा मतलब कि ऐसा काम हम लोग को बताएं मैम, जो कि आपके लिए बहुत कठिन हुआ करना, उसका एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कर सके, जो कि आपको काफी मोटिवेट किया हो इस टाइप। तो मैं एक घटना के बारे में बताऊं, मैं स्कूल की या जब हाँ इसीलिए क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, आज भी मैं जहाँ पे हूँ तो उसके लिए, उस समय तो मुझे बहुत ऐसे पर्सन को मैं हेट करती थी। मेरे मन में पता नहीं क्यों घिना भावना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ पनप चुका था। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं उस व्यक्ति को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे कल वो लोग रुलाया था, इसीलिए मैं आज हंस के दुनिया के सामने खड़ी हूँ। बात बहुत छोटी थी तब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी, तो उस समय ए सेक्शन बी सेक्शन के सारे स्टूडेंट जो है टीचर नहीं था, और टीचर नहीं आए थे तो सब बाहर जाके खेल रहे थे, और मुझे घर का सारे काम करके ही स्कूल जाना पड़ता था। तो उस समय मैं जियोग्राफी किताब पढ़ी थी क्योंकि नेक्स्ट क्लास जियोग्राफी का था, तो मैं वो पढ़ रही थी और प्रिंसिपल सर आए और सबको बोलने लगे कि तुम लोग बाहर जाके खेल रहे थे। तो सबको लाइन से खड़े कर दिए, सबको एक एक थप्पड़ मार रहा था, छड़ी से मार रहे थे, गेट आउट करके निकाल दिया जा रहा था। तो जब मेरी लास्ट में बारी आई, मुझे भी ऑलरेडी एक थप्पड़ मार चुके थे और गेट आउट बोल दिए थे। तो मैंने बोली सर मैं बाहर नहीं गए थे, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें खुद बाहर खेलते हुए देख लिए, देखे हैं तुम झूठ बोल रही हो। हम बोले नहीं सर, मेरे किताब देखिए, मैं किताब पढ़ रही थी क्योंकि मैं उस दिन के जियोग्राफी नहीं पढ़ के गए थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि क्लास में जब क्लास टीचर कुछ पूछे उसका जवाब दे और आराम से मैं बैठ जाऊँ, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो इसीलिए हम बोले सर को कि मैं सर बाहर नहीं गई। तो सर सारे स्टूडेंट को पूछे कि तुम लोग कोई देखी उसको सुनीता को पढ़ते हुए? तो चूंकि सारे स्टूडेंट बाहर खेल रहे थे तो बोला नहीं हम सुनीता को नहीं देखे, वो कहाँ थी। तो सर हम सर के ऊपर जैसे बोलने लगे कि सर हम बाहर नहीं गए, तो जितने बार मैंने ये बात बोली सर उतने बार मुझे मारा, क्योंकि बोल रहे थे कि तुम बड़ों को रेस्पेक्ट करना नहीं जानती हो, बड़े कुओं में बात करती हो। तो हम बोले सर मैं बाहर नहीं गई और मैं बाहर अभी जो पनिशमेंट मुझे मिल रहा है मैं उसका हकदार नहीं हूँ और मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो उसके कारण सर मुझे बहुत मारा, और वो सिचुएशन ऐसा ही होते गया कि मेरे छड़ी से मारा, पूरा शरीर काट दिया, थप्पड़ मारा। उस घटना ऐसे ही हो रहा था कि प्रिंसिपल वर्सेस सुनीता होते हुए सारे स्कूल स्टूडेंट क्लास 3 का दरवाजा के बाहर खड़े हो गए, जितना टीचर थे स्कूल का सब इकट्ठा हो गए, और 9 10 का जो दीदी लोग थी वो हमको बोल रहे थे कि प्लीज तुम अपना बात को वापस ले लो और तुम सर से सॉरी बोलो, तुम बोलो कि सर गलती हो गया। तो हमने बोले कि गलती कैसे हम मान लेंगे, हम बाहर गए ही नहीं। और तो
हम ये बात बोल रहे थे और मेरे ऊपर वो दबाव दे रहे थे कि तुम मानो कि तुम बाहर गई थी। तो मैं अपने जगह में, मैं जिद्दी थी बहुत, तो मैं अपने जगह में खड़ी रही और मुझे बहुत मारते गया, मैं बहुत मार खाते गई, लेकिन मैंने लास्ट में नहीं माना उस बात को कि सर मैं बाहर गई थी। और फिर मुझे बोला ठीक है तुम स्कूल से चले जाओ, मैं स्कूल से चली आई। घर में आने के बाद मुझे बहुत तेज बुखार हुआ, 7 दिन 10 दिन मैं बेड में पड़ी रही। और मेरे पिताजी को शहर जाके बोले आपका बेटी को कुछ संस्कार सिखाइए, वो बड़े के साथ बात करना नहीं जानती है और बड़ों को मुंह में बात करते हैं, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। तो पापा को बहुत बुरा लगा और पापा बोला मेरे बेटी तो ऐसा है नहीं। लेकिन जब घर में आए पापा बोले, माँ मैं माँ को सारी बात बताए थे, माँ ऐसा है, मेरा सारा शरीर काट दिए थे उन्होंने। तो माँ देखी और फिर बोले भी उसको, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके कारण। तो काफी 10 12 दिन हो रहा था मैं स्कूल भी नहीं गई, और हम लोग जहाँ खेलने जाते थे स्कूल का बगल में वहीं पे सर रहते थे, और वो रोड किनारे रहते थे, तो उसका दरवाजा से वो देखते थे कौन आते जाते हैं। मुझे देखा तो उन्होंने बुलाया, तो मैं बहुत स्वाभिमानी थी, मैं उसी तरह गए, हाँ बोलिए क्या बोलना है। तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो, तो हम बोले नहीं हम बाहर से आपका बात को सुनाई दे रहा है, आप हमको बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो बोले नहीं तुम आओ। तो फिर आया बोला कुर्सी में बैठो, हम बैठे नहीं थे। तो बोले कि तुमको हमने मारा तुम्हें खूब लगा, तो हम बोले सर मारने से किसको नहीं लगता है। तो उन्होंने एक बात बोले थे मुझे पता है कि तुम बाहर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी सबका सामने तुमको मेरी बात मान लेना चाहिए था। तो हम उस समय तो मान नहीं पाए, और मैं उसके बाद भी मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। और सर वो चीज एनालाइज किए थे कि सुनीता क्या चीज है, तो उन्होंने भले ही दुनिया के सामने नहीं बोले बात, और उस घटना से मुझे टोटल चेंज कर दिया। और काफी समय बीत गया, मतलब सर उसके बाद सर क्लास 9 10 तक उस स्कूल में थे, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे से उन्होंने पेश आए, हमसे अच्छा व्यवहार करते थे। और करीब उसके बाद क्लास 9 में पढ़ते थे सर, वो आसाम के थे, वो चले गए और वो फिर नहीं लौट के आए थे स्कूल में। मैं ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की, मैं लॉ की, मैं कोर्ट से एक दिन लौट रही थी, बहुत साल बीत गया, अचानक सर को मैंने रोड में देखे। तो मैंने सर आए हुए थे एक्चुअली हमारा झारखंड में देवघर में, तो मैं रोड में देख के दौड़ के गई, मैं उसको प्रणाम किए। तो सर को बताया सर मैं सुनीता जिसको आप मारते थे उस तरह मारे थे। तो सर ने वो बहुत प्राउड फील किए कि हमारे स्कूल का लड़की आज लॉयर है, और मुझे देख के पहचान गए। फिर उन्होंने मेरे घर में आया और बहुत सारे मिठाई भी मंगाए थे, खिलाया हम लोग को। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ा चीज़ था, और वो मुझे बहुत चेंज कर दिया था। सच इंस्पायरिंग स्टोरी मैम। जैसे कि हम लोग मैम जानते हैं कि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो मैम हम लोग को बता सकती हैं आपकी एज ए एडवोकेट आप उस चीज को एक्टिविस्ट में कैसे यूज करते हैं, मतलब कि कैसे वो आपके लिए मतलब कि वो काम करता है इस टाइप। हाँ मैंने चूंकि आपको बताया था कि मेरे बचपन से ही लाइफ कैसे रहा, और किसी के साथ भी अन्याय होता है तो मैं वहाँ पे खुद जाती हूँ, ये नहीं देखती हूँ कि सामने वाला कितना ताकतवर है। हमें ये विश्वास है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं सच के लिए लड़ती हूँ, तो मुझे डर नहीं है। तो बस आफ्टर लॉयर भी मैं ऐसी इसी तरह काम करने लगी, और मैं ये देखती थी कि ईश्वर ने मुझे वो ताकत या वो काबिल बनाए कि मेरे एक दस्तखत से किसी का अच्छा हो, किसी के साथ खड़े होने से उसके भला हो। तो मैं बस इसी में ही मतलब इस पॉइंट में मैं रही। और आफ्टर लॉयर मैं एडवोकेट, मैं एज ए पैनल एडवोकेट काम करती हूँ। आज करीब 10 11 साल से हमारा ये ऑल इंडिया में ही है, सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया था, और वो झालसा में भी है, मतलब हर स्टेट में है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पैनल एडवोकेट हूँ। तो पैनल एडवोकेट के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो लिस्ट बन के आता है। हमारा काम होता है सोशल वर्क, मतलब लीगल सोशल वर्क।
उसमें हमें अवेयरनेस का काम करना पड़ता है, और उसके लिए जेल विजिटिंग होता है, रिमांड होम, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, विलेज, टाउन, एवरीवेयर जहाँ पे लीगल अवेयरनेस का नीडेड होता है। हम लोग को रेलवे स्टेशन में भी हर जगह हम लोग को प्लेसमेंट मिलता है, मैं वहाँ पे जाके हम लोग लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं। और उसके चलते मुझे चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो नीडेड है, पुअर है, पैसा तो सब कोई कमाते हैं और पैसा के लिए सब कोई काम करते हैं, तो मुझे इसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि तुम एक एडवोकेट नहीं हो, सोशल वर्क ज़्यादा करते हो, पेट के लिए पैसा भी जरूरी होता है। लेकिन मैं वो ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि कोई पैसा कितना दिया नहीं दिया, बस मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ और उसके जितना भी न्याय दिलाने के लिए चाहिए मैं उसके साथ लड़ती हूँ, रहती हूँ और उसको अवेयरनेस भी करती हूँ। वैसे मैम, आपने आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा, आपने अभी तक इतने सारे काम भी किए सोशल एक्टिविटीज में, फिर भी मैम आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या है मैम, जो कि आप अचीव करना चाहते हैं आज से कुछ दिन कुछ समय बाद, आप अपने आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आज मेरी माता पिता दोनों ही नहीं रहे, और मेरी माँ मुझे हमेशा आशीर्वाद देते थे, तो मैं उनका आज जो कुछ हूँ मैं उनकी ही ज़्यादा मतलब उनका आशीर्वाद से हूँ। और मेरा ये है कि मेरे जो संदेश जो या मैं जो चीज़ फील करके आई हूँ वो चीज़ मैं हिंदुस्तान के कोने तक पहुँचाऊँ, और यही मेरा एक ड्रीम रहा। एक ड्रीम तो मैं देखती थी कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर होंगे, ये मैं हमेशा देखती थी, वो मुझे फुलफिल हुआ। उसके बाद जब केबीसी शुरू हुआ था तो मैं सोचती थी कभी मैं केबीसी में जाऊंगी, और वो भी मेरा फुलफिल हुआ। हमेशा ये चाहती थी कि मैं जितना कुछ सहे हैं बचपन से, तो हम ये जहाँ से भी गुजरू तो सब कोई बोले, प्राउडली फील करे कि सुनीता मेरी मोहल्ला में रहती है, सुनीता मेरी स्कूल की स्टूडेंट थी, सुनीता मेरी कॉलेज की लड़की थी। हर जगह में वो प्राउड फील हो मुझे, और वो गर्व करे कि ये लड़की यहाँ से होके गई। मैं बहुत संघर्ष करके आज यहाँ पे हूँ, उसके मैं डिटेल्स बोल ही नहीं पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं फिर बहुत इमोशनल हो जाऊंगी, तो मैं आंसू नहीं बहाना चाहती हूँ। और मेरा वही प्रोजेक्ट है कि वो ड्रीम है जो माँ चाहती थी मेरे माध्यम से करे, क्योंकि मैं जिस इन्वायरमेंट से बड़ी हुई ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ताकतवर भी मेरे आसपास में है जो नहीं चाहते थे कि सुनीता यहाँ पे बड़े यहाँ तक आए, लेकिन ईश्वर की कृपा हो, आप ऑनेस्ट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस मुझे यही है कि मैं मेरे मन में जो कुछ है वो सारी चीज मैं हर जगह में खड़ी हूँ, और सब कोई जहाँ पे भी जाओ जो भी काम करो वो प्राउडली करे कि सुनीता मेरे साथ में है और अच्छा कुछ मुझे सिखाएगी, या अच्छा उसका भला हो, उसका अच्छा हो, यही मेरा एक ड्रीम है। और उसी ड्रीम में मैं जल्द भी पड़ी हूँ। अभी मैं आपका मेरे बहुत जगह में है, मैं जम्मू कश्मीर में भी कुछ काम किए, वहाँ पे भी गए, और इस बार हरिद्वार में भी गए थे, तो पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा से लेके पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत सारे काम किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चेन्नई में भी, राजस्थान में भी, तो इसी तरह हर जगह मैं जाती हूँ, और ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरी माँ का ड्रीम पूरा हो और मेरा भी सपना पूरा हो। मैम, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कि मैम हम युवाओं के लिए कुछ आपके लिए आपकी तरफ से संदेश। मैं ये सब बोलना चाहते हैं जो मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ उसके लिए बोलती हूँ कि हमेशा तीन चीज को सुनना चाहिए, मैंने मन की सुनना चाहिए, मन क्या चाहता है, फिर दिमाग से उसको सोचना चाहिए कि मैं जो सोच रही हूँ मेरा मन जो सोच रहा है वो सही या गलत। अगर अगर माइंड भी बोले नहीं मन सही है तो वो काम करना चाहिए, और डिटरमाइंडली करना चाहिए, मतलब तन मन आत्मा तीनों जब एक जगह होके कोई भी काम को पूरा टच करे या कोई भी काम करे तो सफल होता है, और वही आपको आगे ले जाते हैं। तो अपना सबका जितना भी युवा हो, जितने भी बच्चे हो, सबका एक ड्रीम होता है, चाहे वो ड्रीम छोटा हो चाहे बड़ा, ड्रीम हमेशा बड़ा ही होता है, तो उसी लक्ष्य को चलना चाहिए।
और अपने को एनी हाउ मतलब कोई भी आपको जब आप कोई रो में जाते हो ना तो आपको कोई भी बाधा कोई किसी भी तरह आपको इधर करने के डिटरमाइन से आपका माइंड से इधर उधर करना चाहे तो वो नहीं सुनना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आपका जो भी चाहते हैं वो सफल हो। और मैं ये बोलूंगी आपका माध्यम से कि मैं सिर्फ देवघर की नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की हूँ, कहीं पे भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे याद करें, मैं जरूर उसका सहायता करूंगी और करती रहूं, करते आई भी हूँ और करती रहूंगी भी आगे। और आप सबको शुभकामनाएं इसलिए देना चाहती हूँ कि आप सब जो भी सोचते हो करो, कल हम भी प्राउड फील करें कि आप, मैं आपको जानती हूँ, आप कुछ बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट किए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका समय निकाल के आई हमारे लिए। थैंक नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, सामना सामने बात करते तो और मुझे ज्यादा खुशी होती। मैम, लेकिन जरूर, आप मतलब मैं जिधर रहता हूँ आप भी उधर ही रहते हो, तो इन केस अगर कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर आपसे मिलना चाहूंगा। यस हाँ मैम, जरूर, आप एक्चुअली झारखंड में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दुमका में रहता हूँ मैम। ओहो, तब तो मेरे बहुत पड़ोस में ही आप हो, हमारे मैंने छत देखा कि पे। आपने अपना स्नातक वहां सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से भी किया है। हाँ तो मैं भी तो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी का ही टॉपर हूँ लड़की, मैं वहां से ही मेरे ग्रेजुएशन, मैं इंटर वहीं से की हूँ। बहुत मैम, अच्छा लगा आपने बहुत भागलपुर अच्छा। से ही पढ़ाई की है मैम? जी मैं एक्चुअली भागलपुर से मैं लव, मैं भागलपुर से प्रॉपर भागलपुर का ही मैं रहने वाला हूँ मैम, अभी वाह बहुत मुंबई। अच्छा लगा क्या कि हमारे ही आसपास के इतना दूर से आज मेरे, मुझे तो सुन के भी ये लगता है कि इंटरव्यू लेना। एक्चुअली मैं केबीसी के बाद बहुत सारे एक होता है ना इंटरव्यू और मीडिया से बहुत ज्यादा मैं रूबरू हो चुकी हूँ, और मैं अभी एक प्रेस में भी मैंने हूँ एज ए रिपोर्टर, मैं काम करती हूँ रिपोर्टर मतलब मुझे इस जोनल के मैं हूँ वो आपका वो से निकलता है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। कभी मौका मिलेगा तो मैं उस करूंगी जरूर, ईश्वर वो मौका दे कि हम लोग साथ मिलके कभी सामने सामने हो और बात करें। जी मैम, जरूर जरूर मैम, सो ऑल मैम, द बेस्ट आप लोग भी अपना लाइफ में, कभी भी थैंक यू कोई सो मच प्रॉब्लम हो तो जरूर याद करना। मैम, जरूर मैम, ओके थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके।